आज का हमारा सफ़र है जी वादी कलाम की खूबसूरत झील जिसे धमाका झील कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है इस झील का और ये जनवरी में भी ये स्नोफॉल के बाद बहुत ही कमाल का व्यू है। अगर आप यहाँ आएँ तो ज़बरदस्त नज़ारा आपको देखने में मिलेगा। माशाल्लाह पानी के अंदर भी इसी तरह पहाड़ नज़र आ रहे हैं जैसे ज़मीन से ऊपर हैं। तो मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में, मैं आपको धमाका झील के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो में कलाम के एक ज़बरदस्त ड्राइवर से मुलाकात करवाऊंगा। हम लोग जब भी कलाम ट्रैवल करते हैं, कलाम पहुँचते हैं, तो ये रहमान भाई हैं जो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। इनके पास 4x4 जीप है जो आपको ख़तरनाक रस्तों से बड़ी इजीली ले जाती है और बहुत ज़बरदस्त ट्रैवलिंग है इनके साथ। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको उनसे भी मुलाकात करवाऊंगा। इस मौसम में इतनी सर्दी थी कि झील कई जगह से जमी हुई थी, जहाँ पर फिर हम दोस्तों ने एंजॉय किया। बड़ा ज़बरदस्त रहा, बहुत मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम जी, ये स्टार आए रहमान भाई के साथ कलाम से धमाका झील। तो ये रहमान भाई हैं, थोड़ा ऐसा रोड वाले साइड पे कुमराड का रास्ता भी इधर से आगे अच्छा, निकला हुआ कुमराड का रास्ता भी ये जो पहाड़ है। अच्छा अच्छा, बदगुई टॉप से आते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो धमाका झील, इसका नाम क्यों रखा है धमाका? ये पुराने जमाने की जो बात है कि इधर से ना ऊपर पहाड़ ब्लास्ट हो जाता था। अच्छा, वो नीचे स्लाइड हो गया, फिर इधर डैम बन जाता है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए उसका नाम जो है धमाका रखा हुआ था, जो पहाड़ है वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है ठीक है। तो ये कलाम से तकरीबन कितनी देर का रास्ता है? ये कलाम से लग जाता है घंटा डेढ़। घंटा डेढ़, 4x4 जीप ही आ सकते हैं। जाहिर बात इन दिनों में तो 4x4 बराबरी के दिनों में तो यही है। जब जून जुलाई में के मौसम में आदाब टूटी गाड़ी भी आ सकती है। सही, ये बहुत बड़ी झील थी लेकिन फिलहाल में जो ना ये सारा कुछ नक्शा बदल, बर्फ की वजह से भी जन्म रहा है। तो यहाँ से ये कुमराड, ये इस पहाड़ की दूसरी साइड पे जी, ये इधर से होते हुए अच्छा नीचे थल आएगा, उसके बाद कुमराड लेके आते। ठीक हो गया। हमने रहमान भाई की इस जीप में सफ़र किया है और बड़ा मज़ा आया हमें इनके साथ जी का में सफर। तो हम आपसे ये भी कहेंगे कि मैं आपको रहमान भाई का नंबर यहाँ मेंशन कर दूंगा, जिस किसी ने कलाम आना हो, कलाम का सारा इलाका ये यहाँ के लोकल हैं, आप इनके साथ विज़िट करें और बहुत ही मुनासिब रेट है इनका। होटल वगैरह भी ये आपको सस्ते में लेके दे देंगे और अच्छे होटल, और इनका ये गाड़ी का रेंट भी बहुत ज़बरदस्त है। आयो यार सारे आयो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कलाम से ये धमाका झील का रास्ता वो भी दिखाऊंगा कि ये कलाम से किस साइड से निकलता है, क्योंकि गर्मियों में आप लोग अपनी गाड़ी पे भी यहाँ इजीली आ सकते हैं।